कन्या प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा तो आज प्रश्न पूछा जा रहा है कि अन्न और वनस्पति में भी तो प्राण होते हैं, उनमें भी तो जीवात्मा होती है, तो फिर जब हम उसे खाते हैं तो वो भी तो जीव हत्या हुई, तो फिर हम क्या खाएं क्या ना खाएं? जी बिल्कुल, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि एक जीव दूसरे जीव का आहार है। जैसे कि कोई भी जानवर है, शेर है, तो वो दूसरे जानवर का शिकार करके अपना पेट भरता है। उसी प्रकार से लेकिन जो इंसान है, ये मनुष्य योनि है, इस एकमात्र योनि को भगवान ने जो है तीव्र बुद्धि दी है, विजडम, एक बुद्धि दी है ये सोच विचार करने के लिए कि कौन सी चीज उसके शरीर के लिए खाने योग्य है और कौन सी चीज उसके लिए खाने योग्य नहीं है। यहाँ तक कि मेडिकल भी यही बताती है कि हमारा शरीर पूरी तरह से जो है वेजिटेरियन फूड खाने के लिए बना हुआ है। और जैसा कि हमने कहा, एक जीव दूसरे जीव का आहार है, तो पाप तो हो रहे हैं, तो कैसे इस पाप से बचा जाए? पाप का मतलब क्या है? पाप का मतलब है इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटीज आप कहोगे कि हमारे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में ऐसा कोई है नहीं कि जीव को मारने से, अन्न वनस्पति खाने से जो है हमारा जीव हत्या होती है। अरे मैं इस संसार की लॉ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं प्रकृति के नियम की। ये जो प्रकृति भगवान ने बनाई है, इसके भी कुछ नियम हैं। अगर हम इन नियमों को नहीं जानते तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें उसके अनुसार सजा नहीं मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति अमेरिका जाता है और रॉन्ग साइड गाड़ी चलाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको जो है गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी, उसको सजा नहीं मिलेगी। उसी प्रकार हम इस संसार में अपना डेरा जमा कर बैठे हैं, तो प्रकृति के नियम हमें पता होना चाहिए। कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ डजंट मीन यू विल बी स्पेयर्ड बाय लॉ। अगर आपको कानून के बारे में पता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दिए जाओगे, कानून आपको छोड़ देगा। छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार से हमें ये जो प्रकृति है, प्रकृति के नियम है, ये पूरी सृष्टि एक नियम से घूम रही है। तभी तो हम बता पाते हैं कि आज से 100 साल बाद सूर्य किस समय पर अदाइद होगा, सूर्य किस समय पर उदय होगा। इसी प्रकार से जो है प्रकृति के नियम हमें पता होने चाहिए। अभी कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि हम इन नियमों का पालन क्यों करें, हम जो है इंडिपेंडेंटली रहना चाहते हैं, हमें क्यों बांधा जा रहा है? अरे नियम बांधते नहीं है, नियम हमें मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं हमें नियम। अभी किसी व्यक्ति को यदि कोई बीमारी है, तो उसके लिए डॉक्टर नियम बताता है कि तुम्हें ये सब चीजें नहीं खानी और ये सब चीजें तुम्हें खानी है। तो इन नियमों का पालन करने से क्या होगा? वो उस बीमारी से मुक्त होगा। उसी प्रकार से जो नियम शास्त्रों में हमारे लिए बताए गए हैं, उन नियमों का पालन करने से हम इस भौतिक संसार से मुक्त होंगे, ना कि हम और बंधेंगे। तो ये चीज हमें सोचनी चाहिए कि नियम हमारे लिए बनाए गए हैं ताकि हम जो है मुक्त हो सकें, ना कि नियम हमें बांधते हैं। तो हम फिर वापस उसी चीज पर आते हैं, एक जीव दूसरे जीव का आहार है, तो इस प्रकार से हम फिर क्या खाएं? शास्त्रों में बड़े अच्छे से बताया गया है कि यदि एक जीव दूसरे जीव का आहार है, तो हम उसे भगवान को भोग लगाकर जब खाते हैं, तो उसका जो कार्मिक रिएक्शन है वो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। तो कोई भी चीज यदि हम भगवान को भोग लगाकर ऑफर करते हैं, तो वो कर्म के फल से मुक्त हो जाता है। फिर चाहे अगर हम भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी खाते हैं, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो, तो वो पाप ही है। फिर चाहे आप कुछ भी खाएं, जो कुछ भी आप अपने मुंह में डाल रहे हैं वो पाप कर्मों में आएगा। हीरा चोर हो चाहे खीरा चोर, चोर तो चोर है। वेजिटेरियन खाओगे तो छोटा पाप है, नॉन वेज खाओगे तो बहुत बड़ा पाप है, लेकिन पाप तो है ही। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, हमारा एक और क्वेश्चन है जी, कि जैसे आपने कहा कि नॉन वेज खाओ या वेजिटेरियन, क्या हम भगवान को नॉन वेज भी भोग लगा सकते हैं? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमें ये बुद्धि दी गई है कि हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर किस लिए बना है? वेजिटेरियन खाने के लिए। तो हम किसी दूसरे जीव की हत्या करके क्यों खाएं? सिर्फ अपनी जीवा के स्वाद के लिए? अपनी जीवा के स्वाद के लिए हम दूसरे जीव की हत्या करेंगे, तो ये सब इजीली पता चलता है कि हम पाप कर रहे हैं।
यह प्रश्न एक बार एक इंस्टीट्यूट में किया गया था, बड़े साइंटिस्ट लोग थे, उनसे पूछा गया कि हम मुर्गे को क्यों खाते हैं, मुर्गे में भी तो जान प्राण है। तो उत्तर में उन्होंने कहा कि क्योंकि उसकी जो बुद्धि है वो इतनी विकसित नहीं है, इसलिए हम उसको मार के खा जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि कोई इंसान की बुद्धि कम होगी तो क्या हम उसको मार के खा जाएंगे, ये भी कोई लॉजिक हुआ? तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। हमें खुद देखना चाहिए कि कौन सी चीज खाने योग्य है, कौन सी चीज खाने योग्य नहीं है। ये बुद्धि भगवान ने हमको दी है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम इंसानों के लिए भगवान ने बहुत सारी वनस्पतियां, बहुत सारी सब्जियां जो है हमें दी हैं, और हमें उनका उपयोग करना चाहिए। और उपयोग का मतलब है, योग का मतलब जोड़ना, उप का मतलब नजदीक। तो हमें भगवान के नजदीक पहुंचने के लिए जो है इसका इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात, ये शरीर हमें मिला है, ये शरीर हमें किस लिए मिला है? ताकि हम इसका इस्तेमाल करके भगवान तक पहुंच सकें। ये कहा गया है कि एक तरह का वाहन है, एक तरह की मशीन है। हम कौन है? हम आत्मा है। हम इस मशीन के ऊपर आरूढ़ हैं। तो इस मशीन का सही इस्तेमाल करके जो है जिस चीज के लिए हमें ये शरीर, ये मशीन मिली है, उस मंजिल तक हमें पहुंचना है। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है आध्यात्मिक प्रगति, क्योंकि भौतिक प्रगति नाम की कोई चीज होती ही नहीं। जैसे ही आपका ये शरीर खत्म होगा, सारी आपकी भौतिक प्रगति क्या है, एकदम फिनिश, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए आपने क्या किया, क्या किया आपने? सोचा भी नहीं। तो जीवन का लक्ष्य जो है वो आध्यात्मिक प्रगति करना है। तो इस शरीर का सही इस्तेमाल करके हमें जो है आध्यात्मिक प्रगति करनी चाहिए। और एक जीव दूसरे जीव का आहार है, तो हम जो है शाक सब्जियां हम मनुष्यों के लिए भगवान ने दी हैं, जिन्हें हम भगवान को भोग लगा के इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम अपनी चेतना को भी शुद्ध कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।